अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे मैसेंजर के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पर मैं अपना मैसेंजर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी एसएमएस मैंने यहाँ पर भेजी थी उसके नीचे एक एरर आ जाता है और वो मैसेज वहाँ पर जान नहीं रही। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुल नॉट सेंड। तो ये प्रॉब्लम मैंने अभी अभी फिक्स किया है। अब दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पर किसी को मैसेज भेजूंगा तो यहाँ पर ये 100% जाएगी। आप देख सकते हैं पहले ये एरर शो होता था, अब ये एरर शो नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम मैंने किस तरह से फिक्स किया, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपना मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको टॉप टू लेफ्ट पे 3 डॉट शो हो जाएगी, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद टॉप टू राइट पर आपको सेटिंग का एक लोगो यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इस लोगो पे टाइप कर लीजिए। और इस लोगो पे टाइप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा हेल्प, तो इस हेल्प पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस 3 डॉट पे टाइप करना है। और इस 3 डॉट पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट मैनेजमेंट, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन शो हो जाएगा फिक्स अ प्रॉब्लम, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा लिमिट्स टू सेंडिंग मैसेज ऑन मैसेंजर, तो इस पे टाइप कर लीजिए। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये आपके मैसेंजर के अंदर क्या होती है कि आप एक टाइम पे काफी सारे मैसेज एक बंदे को भेज देते हो या एक ग्रुप के अंदर भेज देते हो। तो मैसेंजर का अपना कुछ लिमिट होता है, अगर उस लिमिट से आप मैसेज ज्यादा भेजते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद सबसे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद विज दिस हेल्पफुल, तो इस पे यहाँ पर नो का एक ऑप्शन है, इस नो पे टाइप कर लीजिए। नो पे टाइप करने के बाद सबसे नीचे अदर, इस पे टाइप कर लीजिए। तो इस अदर पे टाइप कर लीजिए। अदर पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। और इस मैसेज को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप आसानी से वहां से कॉपी कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, और इस मैसेज को लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पे टाइप कर लीजिए। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। थैंक्स योर फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव दिस आंसर फॉर एवरीवन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब मेरा जो प्रॉब्लम था वो 2 दिन के अंदर अंदर सोल्व हुआ था, तो आपका भी जो प्रॉब्लम है वो 2 दिन के अंदर सोल्व हो जाएगी। तो गैस इसी तरह से आप लोग मैसेंजर का ये वाला प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सो गैस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा तो चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।